Assalamualaikum guys, we are back to new vlog. अभी मजा आएगा ना भिड़ो नवे व्लॉग च स्वागत है। अज अस उठ गए सुबह सुबह, वैसे तो सुबह सुबह ही उठते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं एक काम, ठीक है, वहाँ से फिर आगे आपको दिखाते हैं कि अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। चलिए गाइस, एक चीज़ से मुझे बहुत डर लगने वाला, कसम से डर लग रहा बहुत ज़्यादा। गाड़ी बहुत गर्म है और बाहर बहुत धूप है गाइस, कसम से टुई सड़ने वाली है हमारी, ऐसे बारबी को लगना टुई का सर से वादे आनी है। गाइस लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वार्डन के इतना सब्र वाला बंदा था, कसम से इसको चार चपेड़े लगी हैं मैंने देखा है गाइस, लेकिन अल्लाह की कसम इतना सब्र वाला यार बंदा, इसने कुछ भी नहीं कहा उनको, फिर भी चढ़वाता रहा यार, अल्लाह की कसम। ये लंबे वाला था, दूसरा राइट साइड वाला। गाइस आज आपको एक बहुत ही हैवी न्यूज सुनाता हूँ, अभी फिलहाल तो हम लड़ाई देख के हैं, हम बड़े डिप्रेस्ड इसको पता है आपको कि ये कहाँ पे जा रही है, आज ये जा रही है 2 लाख रुपए के बाल लगवाने, नकली 2 लाख रुपए के बाल लगवाने। मैंने इसको कहा यार दफा कर, 2 लाख रुपए क्यों जाया करना, कोई iPhone 14 Pro Max या कोई इस तरह की शायद शू ले लेते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं मैंने बाल लगवाने हैं, तो मैंने कहा फिर लगवाओ बाल, 2 लाख रुपए उजाड़ो। तो क्या आपकी राय है इस बारे में, iPhone 14 में जितनी प्रॉब्लम्स है वो छोड़ो, अभी तुम बाल की बात करो, तो मैंने लगवाने हैं तो लगवाने ही लगवाने हैं, 2 लाख जाना ही जाना है। अच्छा तो आज मैं फिर जरा जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी, तो फिर तुम मुझे याद करोगी कि नहीं करोगी? नहीं गाइस, मैं एक काम के सिलसिले में, हाँ अगर एक काम के सिलसिले में मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तो अगर तो मैं गया तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा, अगर ना गया तो फिर आपकी किस्मत। चलो ठीक है गाइस, अभी 2 लाख रुपए जाड़ने जा रही है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ जाड़ने में, मतलब मैं छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा तो गाइज इस टाइम हम आ गए हैं लॉर्ड ब्रोस्ट, ये देखें गाइज इस टाइम हम आ गए हैं लॉर्ड ब्रोस्ट, तो अभी हम लॉर्ड ब्रोस्ट खाएंगे, भूख काफ़ी लगी थी, माई को छोड़ दिया, अब 2 लाख ज़ाया करने चली गई है, तो मैंने अब कुछ काम करने हैं, अभी पहले ब्रोस्ट खाऊंगा फिर कुछ काम करने हैं, फिर आज हो सकता है कि मुझे आउट ऑफ सिटी इस्लामाबाद मरीज जाना पड़े कुछ काम के सिलसिले में, तो फिर जो उनसे मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या करना। अभी चुड्डू को मैंने फ़ोन किया, चुड्डू कह रहा मैं यहीं पर आ रहा हूँ, मैंने चुड्डू को कहा इधर ही आ जा, मैं नहीं आगे आ सकता, स्टेशन बड़े हैं ना अपने इस वजह से। चलो वो आ रहा फिर, अब ये ना हो वो भी कह के मैंने भी खाना, भूख तो है आपको पता है, तो हर चीज़ उसको खाने को दिल। चलो गाइस ये हमारा ब्रोस्ट आ गया, इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, असली है इसका मांस, मजेदार। अच्छा तो गाइस खाना खुना हमने खा लिया, चुड्डू भी आ गया हमारे साथ, तो अभी हम जा रहे हैं फिर कुछ काम शाम जाते हैं, जिसी दे भी शक्ल नहीं गई तेरी, चुड्डू वाली शक्ल है। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं काम शाम करने हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर रात का आज प्रोग्राम बना तो हम जाएंगे फिर। आपको सरप्राइज नहीं होता, सरप्राइज होता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस बात ये है कि रात के हो गए हैं 7:30, मतलब 8 बज गए हैं, लेकिन यकीन करें हम अभी तक अपने काम में बिजी हैं तकरीबन, अब थोड़ी देर ही रह गई है, काम खत्म हो गया तकरीबन, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि हमने जाना कहाँ है। आज तो आउट ऑफ सिटी जाना था, आपको बताया था इस्लामाबाद मरीशरी तक जाना था, तो बस उधर अभी जाएंगे इंशाल्लाह, रात को निकलेंगे यहाँ से और सुबह तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। आप बताएं हम दोनों जाएंगे साथ, किसी को लेके जाएंगे नहीं, आप कमेंट से बताएं, ठीक है? तो गाइस बात ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी रिंग पे और चुड्डू बैठा उस गाड़ी पे, चुड्डू की गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, बेसिक माही वो गाड़ी चला रही है, तो मैं ये दूसरी गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको तो पता है कि हमने जाना है
इस्लामाबाद आउट ऑफ सिटी, लेकिन मैं और चुडू ही जाएंगे शायद, एक आध दोस्त भी चला जाए, माही नहीं जाएगी कुछ पर्सनल इशू की वजह, पर्सनल इशू की यार कोई काम में मनु जरूरी, तो मैं नहीं चाहता उन्होंने लैके जमा ना ली, रहा भी फिर हैवर होती है फिर इस वजह से। तो अभी हम जाएंगे घर समाज फोन पैक करेंगे और उड़ जाएंगे आज, उड़ जाना अमेरिका जाना भाई, अमेरिका नहीं अमेरिका कह रहा हूँ, मरी जाना मरी, सॉरी मेरे मुंह से निकल। अच्छा तो गाइस सामान हमारा पैक हो गया है और ये हम जाने की तैयारी में है, स्टेप फुल सामान समून पैक हो गया आपका भाई, फुल चल तैयार हो गया है, अब अभी हम जा रहे हैं, तो अभी आपको मिलते हैं सामान। अच्छा तो गाइस 12 बजे का टाइम है, 12:05 का टाइम है और हम पेट्रोल डलवाने आए हैं यहाँ पे बैरिया में अभी पंप पे, अभी अभी हम निकले हैं यहाँ से, एक बच्चे को पिक करना है, एक बंदे को पिक करना है, उसके बाद हम मोटरवे पे निकलेंगे। पेट्रोल सस्ता होने लगा, उन्होंने कहा आपका 12 रुपये हम बचा लेते हैं, मतलब हमने तो ज़्यादा ही डलवाना, अब थोड़ी देर सब्र कर जाए, तो अब बस थोड़ी देर सब्र कर रहे हैं, फिर पेट्रोल सस्ता डलेगा, मतलब हमारा 300-400 बचेगा। अच्छा तो गाइस ये हमारे टायर के हालात देखे ना आप, और अभी हम जा रहे थे और टायर फट गया रास्ते में, पहली मनुष्यता तो ये हो गई है, क्या करें गाइस, ये तो फिर आपको पता साथ साथ चलता है, टायर के बेचारे के हालात देखें क्या है, कुत्तों वाले हालत हो गया टायर। 2000 years later टायर एंड जिंदगी में क्या हुआ, पेंचरों वाली दुकान खोल ली फिर तो बस दुआ करें जाएं, टायर लगाएं और अल्लाह के हुक्म से सफर अच्छा गुजरे हमारा। देखें ये पैसे आज मैंने कमाए हैं, ठीक है माशाल्लाह, आप दुआ करें मतलब अल्लाह ताला इस पर और बरकत डाले, इस तरह ही मुझे कामयाबी मिलती रहे। तो अभी ये पैसे नहीं मैं उजाड़ने जा रहा, मैं वैसे ही जौन सा आपको दिखा रहा था, तो मैं तो खैर काम शाम जाना काम के सिलसिले में ही, तो इंशाल्लाह अभी जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आज तो हम हैं मोटरवे पे इस टाइम, तो ये पीछे बंदा आप देख रहे हैं ये काका है जो गाने गाता है, काला सा बंदा है जौन सा, ये मैंने साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट करवाया, अभी सुनाओ जरा एक वो काके वाला साउंड, जो भी जो मर्जी शेर सुना दो, बड़ा बड़ा लिखड़ है, लिखता है तो सुना दो इसकी शक्ल पे नहीं जाना। अच्छा मुझे कह रहा है कैमरा बंद कर, मैं सोच दो ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं सिद्धू मूसे वाला नवाज शरीफ ने वोट पान लगा, चलिए गाइस फिर ऐसी जा रहे हैं, मुंडा किसी काम का नहीं गा, मैं इम्पोर्ट करवाया, मैं स्पेशल साउथ अफ्रीका कीनिया तो इम्पोर्ट करवाया मुंडा, कि मैं क्या चलो मेरा दिल लाएगा हमें मनोरंजन देगा, लेकिन किसी काम का नहीं निकलिया, इन्हें मैं दोबारा एक्सपोर्ट कर देना, और इतने लगे कुड़ियों भेजन हेलो हाय स्टीकां स्टूकां की यार बस। अच्छा तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे आखिरी आराम का, नहीं नहीं आखिरी आराम का नहीं आराम पावरफुल मिल गया। अच्छा तो गाइस बात यह है कि ये पावरफुल मैं कितने का लेता हूँ, 130 का, और ये कितने का दे रहे हैं, 250 का। मोटरवे पे कोई भी चीज लेनी हो आप, मोटरवे बायकॉट करो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपनी बात का मजाक नहीं उड़वाना, मारिया बेचारा शर्म करे। अच्छा तो गाइस अभी तक हम सड़क पे है, दूर लंबी सड़क है, और पीछे वो काला है हमारे साथ, काला देखे काले की शक्ल देख के आपको क्या याद आता, काला हमारे से ले रहा बेसिक पंगे, हमने सोचा हम काले को उतारेंगे ये सड़क के कोने पे, ठीक है, और काले को हम कहेंगे 130 पे कॉल करो और खुद ही जॉब करके उधर करके जाऊंगा फोन करूंगा, मुझे आगे लेके जाए, जैसे मोटरवे पे बंदे की हाथ से पे जान चली जाती है। वाह वाह
बाला ना दर्द है। अच्छा तो गाइस बात ये है कि हम करे हैं ब्लॉग का दी एंड, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके भाई के दिल को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलेगी। और गाड़ी अचानक उधर जाने लगी और मेरे हार्ट अटैक की इजाफी होने लगी मुझे। और काले का मुंह देखें, काले का मुंह देख के जैसे लगता नहीं है आपको जैसे दे सकते हैं। अच्छा तो गाइस गेल का गोटा लगा था, क्रिस गेल का गोटा। अच्छा तो गाइस बात यह है कि आप चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और ठीक है सुबह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। गाइस हम मैकडोनल्ड आए थे और ये मैकरेबिया खाया जा रहा है, और वो काला भी आज बहुत खुश है, उसने जिंदगी में पहले दफा मैकरेबिया खाया और उसने इंग्लिश निकली आज। वाह काले, मैकरेबिया उसने खाया, उसके मुंह से इंग्लिश निकली है। वाह, ये वाला नशा करना मुझे, ये वाला नशा करना। और वो बांदर बहुत अब सुड़ता है क्योंकि इसको मैंने 200 रुपए वाला रैप खिलाया। मैं खाते ही शौक से। अच्छा ही गाइस, तो अभी हम आ गए हैं कलर कार। तो ये बच्चा मुझे कह रहा था ये टायर साइडों पे क्यों लगे हैं, तो मैंने इसको बताया जब ट्रक ट्रुक का टायर पंचर हो लोग यहाँ से तोड़ लेते हैं। सरकारी खाते में ले जो, सरकारी खाते में जो मर्जी ले लो जाता है, ना टायर खराब हो गया। तो गाइस हम बस आपको पता ब्लॉग का दी एंड कर दिया था, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा यार हम फिर कल देखे, आप कान भी बंद हो रहे हैं। बात ना करो, अभी चीता बना तो काले मन लगता है तू पिंड उठ के हैं। नहीं नहीं ये बात ना करो। क्या ये बात ना करो, फिर क्या बात करो। काले मंजर कैसा? हाँ, लाइक दिस वन। काले मैं लोग की दबे। काले तेरी कान नहीं बंद हो रहे। नहीं नहीं मेरे कान नहीं बंद हो रहे, मुझे भी दो। इतने दिनों के बाद, इतनी कबस के बाद गाइस हम आ गए हैं इस्लामाबाद। इतनी कबस हुई रास्ते में इसको, बेचारा बाथरूम में इतनी चीखें मार के इसने पोटी किया, मैं क्या बताऊं, बेचारा परेशान है। अच्छा तो गाइस हम ब्लॉग का करें दी एंड क्योंकि हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग का आगाज, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।